नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुपे और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां बदले बदले दिखे महाराज के अंदाज। भरे मंच से माफी मांगने का वीडियो सामने आया है। मंच से बोले, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, सिंधिया की तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें कि शिवपुरी में हाथ जोड़कर सिंधिया ने माफी मांगी है और बोले, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव की तस्वीरें। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भरे मंच पर माफी मांगने का उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में उन्होंने एक आम सभा में अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से माफी मांगी है। वीडियो शिवपुरी की है और शिवपुरी में एक सभा के दौरान भाषण देते हुए सिंधिया अचानक भावुक हो गए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। पहले आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो वीडियो देखिए, जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। शिवपुरी उसी गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जहां से 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। अब शिवपुरी में भरी सभा में उनकी माफी ने सियासी गलियारों में चर्चा गर्म कर दी है कि क्या सिंधिया फिर से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्होंने मार्च 2020 में अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसकी वजह से एमपी में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और इसके बाद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का टिकट दिया और वो केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से हार की टिस अभी भी उनके मन में है और वोटरों से मांगी गई माफी को इसी को जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर आपने उस दौरान की तस्वीरें देखी, किस तरह से वो हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। ये करने का आदत हमें बंद करना चाहिए और उल्टा जैन समाज का क्षमावन, जाने या अनजाने में मुझे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाई और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध, ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए, मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना। पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था इस संभाग के लिए, केवल शिवपुरी नहीं लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए, मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। जय जिनेंद्र। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपने माफी के दौरान वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जिस तरह से ये संभाग के लिए पूरा काम किया है, पूर्ण संभाग के लिए, वो उसी शिद्दत के साथ काम करते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ ही उन्होंने माफी हाथ जोड़कर मांगी है। अब कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ये चर्चाएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जोर पर है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। माफी महज एक सहारा है, इसके आगे क्या और भी ज्यादा तैयारियां की जा रही है। और देखिए, कुछ दिन पहले अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तरफ से भी कहा गया था कि वो गुना सीट से सिंधिया के समक्ष, उनके सामने चुनाव लड़ने को तैयार हैं और लोकसभा के चुनाव में उन्होंने ये बात कही है। तो क्या इस बार की टक्कर सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से यहां पर इशारे किए जा रहे हैं वो इशारे इसी ओर दर्शा रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये माफी क्या कुछ रंग लेकर आती है। हालांकि चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो चुका है और इन चर्चाओं के बीच आने वाले समय में क्या कुछ होता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लगातार इस पर सवाल भी ये उठ रहे हैं कि आखिर ये दिल क्यों नरमा, दिल क्यों पसीजा और माफी मांगते हुए नजर आए। शिवपुरी
उसी गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है जहां से 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे।